अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुजिंस विद मुनव्वर अरशद। जहाँ जायका है वहाँ प्यार है, जहाँ प्यार है वहाँ जायका है। आज हम बना रहे हैं पोटैटो कटलेट्स। इसके लिए हमने ये आलू बॉयल कर लिए हैं, छोटे साइज़ के हैं 5 अदर। उसको हम मैश करेंगे। ये आलू मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे। इसमें ये 1 अदद गाजर है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। छोटे साइज़ की ये हाफ लीजिए हमने मूली, मूली हम इसमें शामिल करेंगे। ये पुदीना है, 1 टेबल स्पून के करीब पुदीना है, हरा धनिया है और ये हरी मिर्चें, ये इसमें शामिल करेंगे हम। अच्छा, इसमें 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा जाएगा, 1/2 टेबल स्पून हल्दी ज़ायका नमक ले लें जितना आपको खाना है। मैंने तो यह 1/2 टेबल स्पून लिया है नमक। गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून और ये कश्मीरी चिल्ली है 1/2 टेबल स्पून। इसमें हम एक एग शामिल करेंगे, 2 टेबल स्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे, मिक्स करेंगे इसको कटलेट्स बनाने के लिए। ये ऑयल डालते हैं हम इसको फ्राई करने के लिए कटलेट्स को। वेलकम बैक, हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं अपनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल गर्म हो जाए थोड़ा। कटलेट तैयार है। आप लोग भी ट्राई करें, रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ानों में आप लोग बनाएं अफ्तार के लिए और घर वालों की दाद वसूल करें। पोटैटो कटलेट्स तैयार हैं। हमने अमरूद की चटनी इसके साथ प्रेजेंट की है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करें, तो हम अगली वीडियो आपको अमरूद की चटनी के बारे में बताएंगे। शेफ़ मुनव्वर अरशद को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला हज उम्रे की सआदत नसीब करे आप लोगों को। अल्लाह हाफिज़।